आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। तुम्हारे प्यार में समस्या है, हाँ, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में समस्या है, तुम्हारे जीवन में शादी के पहले और शादी के बाद जहां भी समस्या है, मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर तुमको तुम्हारी जीवन में, क्या कह रहा हूं, तुमको तुम्हारे जीवन में अगर प्यार चाहिए तो क्या करना होगा, अगर तुमको तुम्हारे जीवन में प्यार चाहिए तो आज शाम को ये चीज कपड़े में बांध कर रख देना, फिर देखना चमत्कार वही होगा जो तुम चाहो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको श्रेष्ठ बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में हर एक चीज आपके पक्ष में हो और आप बड़े बन जाओ, उस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको आपसे मिलवाकर आपके जीवन में आपको जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां शादी के पहले और शादी के बाद की समस्या का समाधान तो होता ही है, जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर भी यही है। पूरे विश्व में एकमात्र स्थान यह है जहां पर पूरी ईमानदारी से, पूरी स्पष्टता के साथ, पूरे अच्छी तरीके से आपके जीवन को बेहतर बनाया जाता है और पूरी ईमानदारी से आपके जीवन में प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाता है प्रमाण के साथ, वेदोक्त, शास्त्रोक्त और प्रमाणित उपाय के साथ। यहां बहुत बड़ी संख्या में पिछले 20 सालों से काम हो रहा है और अभी तक 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और सक्सेस रेट 95% प्लस है। यह सब कुछ निरंतर जारी है, इस पर बहुत बड़े लेवल पे काम किया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और उस पर काम किया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है। हर हाल में आपको जिताने के लिए हम लोग बाध्य हैं। आज हम कह रहे हैं कि आज अपनी शादी में, अपने विवाह में, प्यार में, लव लाइफ में अगर तुम सफल होना चाहते हो, अगर अपने पति को गुलाम बनाना चाहते हो, अगर अपने पति को अपने हाथ में रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो परिवार के बजाय तुम्हारी बात सुने, तो आज जो हम ये सोल्यूशन कह रहे हैं, कपड़े में ये बांध कर रख देना, उसके बाद जब तक इसमें गांठ बंधी रहेगी तब तक वो तुम्हारे रहेंगे। हाँ जी, पतिम यतिम साधक मंजरानी गताम गतिस्यामि मनोहरानी मनोदशायो गक्रिया समुच्चे त्वदीय मदभा शकनावसिष्यम्। साहब, तुलसी बाबा कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है। क्या है? वशीकरण एक मंत्र है। तो बोले बाबा कौन सा मंत्र है? तजिदो बचन कठोर। कड़वा बोलना बंद कर दीजिए, मीठा संभाषण कीजिए। जब पूरे दिन के बाद कोई आपके पास आता है थका हारा, बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर लेकर, सहन कर और जाने कितनी बातें सुनकर, आपका नैतिक कर्तव्य है अत्याधिक प्रेम देना, अपने मुखमंडल पर हंसी रखना और बेहतर करना। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद भी चीजें खराब हो रही हैं तो क्या करें? तो ये सलूशन करें जो आज हम कह रहे हैं।
जैसे ही आप ये सोल्यूशन करेंगे उसके तत्काल प्रभाव से ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। टोटके छोटे छोटे हैं, फर्क तो डालते ही हैं साहब, हर दिन चौराहे पर ऐसे ही थोड़ी कुछ में कुछ पड़ा मिलता है आपको। हाँ, ऐसी थोड़ी आपकी आंखें चमक जाती जब बिल्ली जब रास्ता काटती है। बिल्ली कोई मंत्र थोड़ी जानती है, बिल्ली कोई तंत्र थोड़ी जानती है, फिर क्यों आपकी स्पीड रुक जाती है जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं। अगर कौवे के बोलने पर, बिल्ली के दिखने पर, उल्लू के चहकने पर, जहां पर भी तुम्हारी आवाज थम जाती है, ऐसी कंडीशन में कहीं किसी स्तर पर, कहीं मन में, किसी कोने में, तो तुम्हारे पास उस बात की जगह है। तुम्हें हिचकियां ऐसी ही थोड़ी आती हैं, तुम्हें छींके ऐसी ही थोड़ी आती हैं, बगल में कोई छींक दे, कोई छींक भर दे और आप रुक जाते, अरे यार टोक लगा दी। कुछ तो होता होगा इन सब चीजों में, कोई तो इसमें बात होगी। आदिकाल से, वर्ष जाने कितने सालों से, कालांतर से चली आ रही है ये सब बातें और निरंतर जारी है। कैसे, कोई तो बात होगी। असत्य को बहुत दिनों तक खींच पाना असंभव होता है, एक दिन पता चली जाता है। इस बात का पता अभी तक क्यों नहीं चला? क्योंकि ये सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। किसी ने कहा कि क्या तंत्र मंत्र यंत्र किया कराया, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस और उल्टी सीधी बातें, टोना टोटका और जाने कितनी चीजें, ये सब सत्य होती है क्या? तो वेद कहता है सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यात्मिकाम सत्य। बोले सब सत्य है साहब, जो दिख रहा है, जो तुम देख पाते हो, जो सुन पाते हो, जो समझ पाते हो, वो सब सत्य है। और एक दृष्टि से सब मिथ्या है, केवल भगवान और धर्म सत्य है और कुछ सत्य नहीं। आज जो सवेरा है वो कहीं पर रात है, अभी जो ताजा है थोड़ी देर बाद बासी हो जाएगा। तो बोले बाकी सब भी सत्य है, अगर एक दृष्टि से देखें और दूसरी दृष्टि से देखें तो सब सत्य है। बोले कैसे ठीक किया जा सकता है? बोले सत्य को पकड़ लीजिए। सत्य को कैसे पकड़े? धर्म की दृष्टि से। ये सब क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि तुम उपाय कर तब पाओगे जब इन सब बातों पर पालन करोगे। उपाय बहुत सरल है, उपाय बहुत छोटा है। तुम्हें अपने पति को पाना है, तुम्हें अपने परमेश्वर को पाना है, तुम्हें अपने रिश्ते को ठीक करना है, तुम्हें अपनी सौतन से छुटकारा पाना है, तुम्हें घर परिवार वालों के झंझट से बचना है, तुम्हें हर हाल में उसे अपना बना लेना है, तुम्हें हर हाल में अपने प्यार को पा लेना है। ये सब बातें कब होंगी? जब उपाय तो इतना सा है, कपड़े में ये सामान बांधा और गांठ बांध के रख दिया, हो गया। लेकिन जब तुम बात समझ के करोगे तो जीत जाओगे, और बिना समझे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी गाड़ी में वो साइड मिरर का कुछ टूट गया, मैंने देखा कारीगर आया, 2 सेकंड में वो ऐसी जगह हाथ लगा रहा था, खटाखट 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 खोल रहा था कि उसको सब पहले से पता है। वही अनाड़ी व्यक्ति को सोचना पड़ता है कहां से खुलेगा ये, और जो जानता है वो फटाक करके हाथ लगा खट से खोल दिया, 2 मिनट में बांध दिया फिर से। जानकारी सही हो तो तुम जीत जाते हो, इसलिए पहले जानकारी देता हूं, उपाय बाद में बताता हूं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुरानो बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखान। सब जगह यही लिखा है, दुनिया के किसी भी ग्रंथ में देख लीजिए, प्यार के अलावा अच्छा कुछ और दिखता है? दुनिया की जितनी भी फिल्में हैं उसमें से 90% में लव स्टोरी है। जितने भी सॉन्ग बनते हैं, गाने बनते हैं, भाई म्यूजिक बनता है, उसमें से 98% सिर्फ प्यार पे बनते हैं। 98 इसलिए कह रहा हूं, पूरा ना लग जाए, होता तो 100 ही है ना। विश्व में जितनी भी कथाएं हैं, उफ क्या कहने जा रहा हूं, विश्व की जितनी भी कथाएं हैं सब प्रेम कथा है। राधा और कृष्ण की कथा, सीता और राम की कथा, किसी ने भी अरेंज मैरिज करी क्या? ये सब लव मैरिज वाले लोग थे। सीताराम को प्यार हुआ,
राधा कृष्ण को प्यार हुआ, रुक्मणी कृष्ण को प्यार हुआ, फिर विवाह हुआ। यहां तक कि माता पार्वती को भी भगवान शिव से प्यार हुआ, मनवांछित वर लिया उन्होंने। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था, बरहु संभुनत रहूं कुमारी, मैं तो कुमारी रहना चाहती हूं अगर शंभू नहीं मिले तो। जन्म कोटि, बोले कब तक ऐसा कर सकती हो? ध्यान से समझना, जब तुम लोग पूछते हो कब मेरा काम होगा, उसका जवाब दे रहा हूं। माता पार्वती से किसी ने पूछा तो क्या बोली पता है? जन्म कोटि तक रगड़ हमारी, बरहूं संभुनत रहूं कुमारी। बोले मुझे कितने भी जन्म लेने पड़ जाएं, मुझे तो शंभू ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए। इतनी तटस्थता की जरूरत होती है प्यार में, है तुम में? अच्छा, इसका जवाब मैं देता हूँ, हाँ तुम में है, तभी तो तुम सुन रहे हो, वरना तब तक चली नहीं गए होते। अरे यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या बता रहे, है ना? तुम्हें समझ आ रहा है इसीलिए तुम उधर हो। ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल सबके लिए नहीं है, ये संप्रदाय है अलग, ये प्रेम संप्रदाय है, इसमें वही लोग हैं तो इसी दुख से पीड़ित हैं, और सच्चे प्रेमियों के लिए है ये प्लेटफॉर्म। तुम लाइक करते हो फर्क नहीं पड़ता, तुम डिसलाइक करते हो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, तुम सब्सक्राइब करते हो फर्क नहीं पड़ता, तुम सब्सक्राइब नहीं करते फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी करो फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? तुम्हारे ठीक होने से। तुम ठीक हो जाओ, मेरा 95%+ जो है वो और अप हो जाए, मैं उधर ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। तुम लाइक करो धन्यवाद, डिसलाइक करो कोई बात नहीं, तुम सब्सक्राइब करो बेहतर बात है, तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी, बार बार तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा। तुम नहीं कर पाते समस्या नहीं है, भगवान फिर से तुम्हें खींच के ले आएगा, है ना? तो सब तुम्हारे हाथ में है। चलो, बहुत सारी बातें करी, सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। क्या बांधने से तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है? क्या ऐसा बांधना है कपड़े में जिससे सब ठीक हो सकता है? कपड़े का कलर क्या होगा, कब बांधना है, क्या बांधना है, कैसे बांधना है, वो सारी की सारी बात बता रहा हूँ। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, आपको मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, आज मैं आपको धन्यवाद करने के लिए कॉल किया है। गुरु जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही है। गुरु जी, आप ही तो है, आपने ही तो हमें इतने बड़े संकट से बचाया है। गुरु जी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखे। गुरु जी, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम पाना चाहते हो डेफिनेटली तुम्हें मिल जाए, ऐसी इच्छा रखता हूँ। सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है, वैसे जो तुमने किया है उसी का फल मिला है तुम्हें। मेरा आशीर्वाद, मेरा समर्पण, मेरी तपस्या सब तुम्हें मिल रही है, लेकिन तुमने विश्वास किया तब। नहीं विश्वास करते तो कैसे मिलता, है ना जी? सीधा उपाय की बात करता हूँ। आपको काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में अपने मुख में रख करके थोड़ी सी सौंफ सूखी सूखी निकाल करके उसमें रखना है, और 7 लौंग, 4 इलायची और 11 काली मिर्च के टुकड़े उसमें डाल करके बांध देना है। बांधने के बाद पहले दिन अपने पैताने यानी पैरों की तरफ गद्दे के नीचे रखिए, फिर अपने दाहिनी तरफ गद्दे के नीचे रखिए, फिर अपने बाएं तरफ गद्दे के नीचे रखिए, और लास्ट में अपने सर के पास गद्दे के नीचे रखिए। ऐसा क्रम 1.5 दिन से लेकर 2.5-2.5 दिन तक का किया जा सकता है। ये क्रम पूरा करके देखो, आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा जो कभी नहीं आया। और क्रम बिल्कुल वैसे रखने की कोशिश करिएगा जैसे नीचे से ऊपर की ओर आते हैं ना, ऐसे। तो आप बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो आप सफल होंगे। इसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, बहुत एनर्जी है, इसलिए इसे कीलित किया गया है, गुरु मंत्र से अक्षादित किया गया है, आपको आदेश लेने की आवश्यकता होगी। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश हो जाइए, प्रसन्न होइए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना ध्यान रखो। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, निगेटिव होना मना है, और हाँ रोना भी मत। तुम अपना ध्यान रखने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा भी ध्यान रख रहा हूँ। धन्यवाद समझने के लिए। ओम नमः शिवाय।